नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। योगी सरकार में जनपद औरैया के पत्रकार नहीं है सुरक्षित। औरैया में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को धमकियां मिलने का एवं अभद्रता और मारपीट का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जनता को सच्चाई से रूबरू कराने वाले पत्रकार जो भूखे प्यासे रहकर खबर को ढूंढ कर लाते हैं, जिन्हें ना दिन का पता होता है ना रात का, जो कि ना धूप देते हैं ना बारिश, बस निकल पड़ते हैं सड़क पर खबर की तलाश में। तब भी उत्तर प्रदेश सरकार पत्रकारों के लिए कोई कानून पास नहीं कर रही जिससे कि पत्रकारों को सुरक्षा मिल सके। आपको बता दें, पत्रकार जब सुबह घर से निकलता है तो उसको ये नहीं पता होता कि वो अब किस समय घर में आएगा। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया निवासी पत्रकार शिवम पाल और पत्रकार साथी विकास सक्सेना के साथ बिजली विभाग की कमियों को उजागर करना भारी पड़ गया। आपको बताते चले, औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल के गेट के बीते सप्ताह 11,000 वोल्टेज की लाइन टूट गई, जिससे बड़ा हादसा हुआ। लाइन टूटने से उसकी चपेट में आई 3-4 कारें चपेट में आने से आग लग गई। दिनांक 25/8/2021 को करीब 11 बजे पुनः जिला अस्पताल के गेट के सामने बिजली की 11,000 वोल्टेज की लाइन टूट कर गिर गई, जिससे बहुत बड़ा हादसा होने से टला। नितेश यादव, अररिया की रिपोर्ट। पत्रकार हूँ शिवम पाल, एएनबी न्यूज चैनल देख रहे हैं। एक घटना हुई थी 50 सैया के पास में, जो 11,000 की लाइन थी वो टूट गई थी। उस संबंध में हम बिजली विभाग ऑफिस से अधिकारी अभियंता के पास बाइट करने के लिए गए। तभी उन्होंने कहा कि एसडीओ साहब बैठे हुए नीचे, उनसे आप बाइट कर लीजिए। तब हम एसडीओ साहब से बाइट करने के लिए गए, तब नीचे पहुँचे। हमारे साथ में 2 लोग थे, एक हमारे कैमरामैन जो विकास कुमार जी थे वो भी थे। जब हमने एसडीओ साहब से बाइट करना चाही तब उन्होंने मना कर दी। उस संबंध में उनके जो कर्मचारी थे प्रवीण दुबे, वो आए, वो हाथापाई करने लगे, उनने मेरा मोबाइल छीन लिया। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की गई, हमने पुलिस को तहरीर दी है। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे आगे? क्या नाम है आपका, क्या हादसा हुआ है? मेरा नाम विकास कुमार है, मैं पत्रकारिता करता हूँ। आज सुबह लगभग 10 बजे 50 सैया अस्पताल के बाहर 11,000 की लाइन टूट कर गिरी, जो कि विगत 15 दिनों के बाद दोबारा से टूट कर गिरी, जिसमें कई बड़े हादसे होने से बचे। उस संबंध में मैं बाइट लेने के लिए अधिशासी अभियंता के पास गया। अब अधिशासी अभियंता से जब मैंने बात की तो अधिशासी अभियंता बोले कि एसडीओ सदर से आप बात कर लें। तो एसडीओ सदर से जब मैं बात करने गया तो उन्होंने हमारे पत्रकार साथी शिवम पाल के साथ में बदतमीजी दिखाई, उनका मोबाइल छीन लिया और धक्का मुक्की करने लगे और उनका सड़क पड़ गई। उसी समय पर एक संविदाकर्मी प्रवीण शर्मा जी आए और उन्होंने गाली गलौज करते हुए, धक्का करते हुए ऑफिस से बाहर भगा दिया। प्रवीण शर्मा जी कोई संविदाकर्मी बताए गए हैं, उनके खिलाफ हमने यहाँ और एसडीओ सदर के खिलाफ में यहाँ एप्लीकेशन दे दी है। आपने इस मामले की जानकारी क्या एक्शन को अवगत कराया? बिल्कुल बिल्कुल कराया है। उनके पास में लगभग हमारे सभी पत्रकार साथी जो हमारी टीम के साथी लोग लगभग 2 घंटे बैठे रहे, उनसे यही कहने के लिए उन्हें बुला दो, हमारी मतलब आपस में एक दूसरे से समझौता हो जाए, कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने उस कर्मचारी ने एक्शन साहब का भी फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा और यहाँ तक कि अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे तेजस 24 न्यूज़।